The next important question in the RNA splicing is that how uh, the correct splice site is identified and uh, found by the, uh, the spliceosome or by the introns. We have already, already seen one mechanism that guards against inappropriate splicing. The active site of the spliceosome is only formed on rna sequences that pass the test of being recognized by multiple elements so uh, different elements is site ko pehle recognize karte hain aur hi spliceosome hai wo is aata hai aur apni catalytic action karta hai thus for example the five prime splice site must be recognized initially by the u1 snr

गाइडिंग मैकेनिज्म के बावजूद जो है एरर के चांसेस तो रहते हैं तो दो मेन किस्म के एरर्स जो हैं वो स्प्लाइट साइट रिकोगशन में हो सकते हैं फर्स्ट स्प्लाइट साइट्स कैन बी स्किप्ड विद कंपोनेंट्स बाउंड एट अ गिवन फाइव प्राइम स्प्लाइट साइट पेयरिंग विद दोज एट अ थ्री प्राइम साइट बियॉन्ड करेक्ट वंस सो अगर जो है वो एक एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन तो ये जो पहला एक्ोन है ये गलती से दूसरे एक्जोन को मिक्स मिस करते हुए तीसरे एक्जोन के साथ बाइंड कर जाए तो इस किस्म की गलती को हम कहते हैं एक्जोन स्किपिंग हो गई है सेकंड अदर साइड्स क्लोज इन सीक्वेंस बट नोट लेजिटिमेट स्प्लाइस साइड्स could be mistakenly recognized because the splice site consensus sequence are rather loose so uh, splice site mein jo hai kahin pe bhi kuch jo hai uh, misread ho sakte hain sequence jo ke actual uh, splice site साइट का सीक्वेंस नहीं है बल्कि उससे हट के किसी जगह का सीक्वेंस है देयर फॉर फॉर कंपोनेट्स एट अ गिवन फाइव प्राइम स्पलाइट साइट माइट पेयर विद कम्पोनेंट्स बाउंड इनकोरेक्टली एट सच अडो थ्री स्प्लाइ साइट इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सोन वन है और एक्जोन टू है और एक्जोन जो है वो थ्री है तो ये तीन एक्जोन है और गलती से ये एक्जोन वन जो है ये एक्जोन थ्री के साथ बाइंड कर जाता है और एक्जोन टू जो है ये स्किप हो जाता है तो इस तरह से एक्जोन वन और एक्सोन थ्री जो है ये ज्वाइन कर गए सो so, इसको हम कहते हैं एक्जोन स्किपिंग दूसरी किस्म का जो एरर है वो ये है कि एक्जोन टू के अंदर एंड पे एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है ये गलती से एक्जोन वन का जो फ्री एंड है वो इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के बजाय इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर एक्सोन वन के साथ ये जो एक्जोन टू का छोटा सा पीस एंड का रह गया ये ज्वाइन कर जाता है सो so, ये जो है दिस इज सुडो सीक्वेंस और इस तरह से ये जो है ये एरर बी हो सकता है टू वेज इन विच दी एक्यूरेसी ऑफ स्प्लाइट साइड सिलेक्शन कैन बी एनहांस्ड

और इन प्रोटीन्स का रोल अभी आगे जाके आर एन स्प्लाइसिंग में आना है तो ये प्रोटीन्स ऑलरेडी उस आर एन के साथ मौजूद होती हैं वेन अ फाइव प्राइम साइट इज एनकाउंटर्ड इन द्यूली सिंथिसाइज आर एन ए दैट रिकगज दैट साइट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द दोलिमरेज कार्बोक्सी टर्मिनल टेल ऑन टू दी आर एन ए तो जब ये सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो जाता है तो ये प्रोटीन्स या ये फैक्टर जो के आरएनए पॉलीमरेज के पास होते हैं ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आरएनए के ऊपर और उस सीक्वेंस पे उस जगह पे जहां से के स्प्लाइसिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं वंस इन प्लेस फाइव प्राइम साइट कंपोनेंट्स आर पाइज टू इंटरैक्ट विद दोज अदर फैक्टर्स that bind to the next 3' supply site to be synthesized thus the correct 3' splice site can be recognized before any competing sites further downstream have been transcribed this co-transcriptional loading process greatly diminishes the likelihood of exon skipping a second mechanism guards against the use of incorrect sites by ensuring that splice sites close to exons are recognized preferentially. So called SR proteins, that is, serine arginine rich proteins, bind to the sequences called exonic splicing enhancers. ESEs within the axons. SR proteins bound to these sites interact with the components of the splicing machinery and recruiting them to the nearby splice sites. In this way, the machinery binds more efficiently to those splice sites than to incorrect sites not close to the Exons. Specifically, the SR proteins recruit the U two AF proteins to the three prime splice site and U1 synapse to the five prime splice site. These factors demarcate the splice sites for the rest of the machinery to assemble correctly. SR proteins are essential for splicing they not only ensure the accuracy and efficiency of constitutive splicing but also regulate alternative splicing this alternative splicing we will see uh, future in future